वो समझते भाई, तुम भी समझ रहे त्यागी जी, त्यागी जी समझ रहे हैं, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे जा रही तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नए नए हिंदू बने वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी को भी उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे धर्म संसद की नफरती गैंग बौखला गई है। वहीं रिजवी की गिरफ्तारी होती देख धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के एक और आरोपी यति नरसिंहानंद अपना आपा खो बैठे हैं और उत्तराखंड पुलिस को कोई अनाब शनाब कहने लगे हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए दोस्तों, शांत होने का दावा करता ये आदमी उत्तराखंड पुलिस को क्या क्या कह रहा है। नहीं आने को नहीं करें, आप ऐसा बात वो समझ रहे भाई, तुम भी समझ रहे, त्यागी जी त्यागी जी समझ रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं, हमारे भरोसे आप तो मना नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। सुना आपने दोस्तों, क्या कहा इस आदमी ने कि त्यागी जी तो समझ गए, हमें भी समझाएं इन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, भला हमारे ही भरोसे ही तो रिजवी साहब हिंदू बने हैं। गिरफ्तारी से बौखलाए इस मौखिक संत ने सारी हदें पार करते हुए पुलिस वालों के मरने तक की कामना कर डाली। ये कैसी धर्म संसद थी जहां नफरत बांटी गई और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ देने की गुहार लगाई गई, और ये कैसे संत है जो भगवान का नाम जपने की बजाय पुलिस के मरने की कामना कर रहे हैं। इन सब चीजों से आप जान ही चुके होंगे कि अगर कि कैसे वो धर्म संसद थी और कैसे उसके नेता थे। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वही इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।